वेलकम टू द चैनल शीम्स शानदार चैनल। इस वीडियो में हम 11 इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, और ऐसे हम और भी आगे वीडियोस लाएंगे इम्पॉर्टेंट। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, लेट्स बिगन। फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मीन्स क्राई आउट सडनली, बहुत ज़ोर से चलाना, ठीक है। सेकंड, एक्सक्रीशंस मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ और लंप ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉडी और प्लांट, कहीं ग्रोथ वगैरह होगी हो ऐसी, उसको एक्सक्रीशंस बोलते हैं। देन एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट होता है वेस्ट मटेरियल पास्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू बोवल्स, ठीक है, मतलब जो वेस्ट वगैरह जैसे फीसिस वगैरह, ठीक है। देन एक्सकल्पेट मीन्स टू से दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। नंबर 5, एक्सीक्रेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, ठीक है। हाँ, देन एक्सीजीसिस मतलब के एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन वर्क या ट्रांसलेशन वगैरह, ठीक है, एक्सीजीसिस, ठीक है। और जब प्लूरल यूज़ होता है तो लास्ट में SIS की जगह SES यूज़ होता है, ठीक है। देन एग्जाम्पलरी मतलब गिविंग अ गुड एग्जाम्पल टू अदर पीपल। देन एग्जॉस्टिव मीन्स थॉरली कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। देन एग्जीबिशनिज्म मीन्स बिहेवियर दैट इज़ इंटेंटेड टू मेक नोटिस यू, ठीक है, बस दिखावा के लिए एग्जीबिशनिज्म, ठीक है। देन एग्जिलरेट मीन्स मेक समवन फील वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये 11 हमने पढ़े हैं, तो बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के वोकैब है ये। तो ऐसे हम और भी आगे मतलब कि वीडियोज़ बनाते रहेंगे डेली बेसिस पर। तो मतलब कि थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम।